महंगाई रहती है बस 12 महीने महंगाई रहे। बढ़िया जी बढ़िया, सरकार मोदी आनी चाहिए। ये वही व्यक्ति कह रहा है कि मोदी बढ़िया कर रहा है जिसके चुतड़ पे कच्चा नहीं है। क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, ये बात हकीकत है। नहीं तो तुम किसी पढ़े लिखे किसी युवाओं से पूछा, कह रहे हैं महंगाई नहीं। भाई साहब मैंने क्या कहा, मैंने किसी पढ़े लिखे युवाओं से तुम पूछो, जो ग्रेजुएट लड़के उनसे पूछो जाके। क्या डबल किया है हमारे लिए, क्या किया है? हम किसान के बेटे हैं। आई डबल हुई, आई डबल हुई, वो तो झूठे आदमी है। तुम्हारे अभी अगर हम 10,000 की नौकरी कर रहे हैं और रेंट पे रह रहे हैं और अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो उनसे पूछा हम पे क्या बच रहा है? जीरो भाई जी, उसमें कुछ नहीं बच रहा है उसमें। तो महंगाई तो देखा जाए तो 9 सालों में महंगाई बहुत हो गई जाके, क्योंकि 2014 पहले देखा जाए डीजल पेट्रोल क्या रेट था और इन्होंने क्या बातें करते हैं। जो अमेठी स्मृति ईरानी है, तो इन्होंने कहा था अमेठी में आप 26 तारीख को बटन दबाइए और 13 रुपये शक्कर घर को लेके जाओ। और अगर मैं गलत गया तो मैं गलत गया, तो जो वीडियो उनका वीडियो है, अगर अगर इसमें गलत गया तो इन्होंने जनता को जितने भी इन्होंने दिए सब झूठे वादे लुभाए इन्होंने। अगर इन्होंने जितने वादे करते किसी वादे पे अगर खड़े उतने तो बताओ। सिर्फ हमारे देश में महंगाई पे कोई नहीं बोलता, सिर्फ इन्होंने आपस में हम लोगों भाईचारा इन्होंने जो भाईचारे को लड़ाने की कोशिश करी इन्होंने। ये हमारा हिंदुस्तान धर्म, जो हिंदुस्तान हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है ये, ठीक है, इसमें हर जाति हर धर्म का व्यक्ति रहता है। तो 200 रुपये इसलिए इन्होंने सिलेंडर घटाया ना, क्योंकि 2024 का 5-6 महीने का चुनाव आ गए ना, इससे पहले क्यों नहीं घटाया इन्होंने? इससे पहले इन्होंने क्यों नहीं घटाया? इन्होंने जब 200 रुपये ने स्कूल के बच्चों को बहन जो घी बाटा रिफाइंड वाली सब बाटा, बता बच्चों को कहा इतना दिया बता राशन? 5-5 किलो चने, 10-10 किलो गेहूँ चावल, बता कहा ना दिया बता? मैं कहता हूँ राशन ना देके शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दे तो तुम्हारा तो सुधर जाएगा। ये बता कितना राशन ने दिया बता लॉकडाउन में? भाई इन्हें मिला होगा, हमें तो राशन मिला नहीं है। बहुत देशद्रोही है। केजरीवाल कुछ भी नहीं है, नहीं देते है ना ही कुछ नहीं देते। राशन जो मिल रहा है उसमें नहीं देता है, नहीं राशन कुछ नहीं देता है, राशन नहीं देता है, नहीं मिलता है राशन, अरे नहीं मिलता है राशन। आप देखे आज हमारा घर में खेत से 500 किलो धनिया चला, अब रास्ते में 250 किलो खराब हो गया। अब जो 250 किलो खराब हुआ है उसकी एवरेज जो बचा 250 किलो उससे निकालेंगे ना। पर जैसे टमाटर महंगा होता है या प्याज महंगी होती है तो उनके मंत्री कहते हैं कि हम प्याज खाते ही नहीं। खाते सब है, खाता कौन नहीं है? मंत्री क्या नहीं खाते बताओ? सही बात है। जो आम आदमी नहीं खाता वो खाता मंत्री। टमाटर के रेट, टमाटर सर कितने को खरीदा आपने? 20 रुपये में। 20 रुपये में कितना? 1 kg। 1 kg अभी कुछ दिन पहले तो 220 तक पहुँच गया था। ये तो समय है, अब सही है, कंट्रोल में है महंगाई? हाँ कंट्रोल में। अच्छा, बहुत सारे लोग सरकार को दोष देते हैं महंगाई का, आपको क्या लगता है वाकई सरकार की भी कमियां हैं महंगाई को लेकर या ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं? सरकार तो राजनीति करती है, ये तो डिपेंड किसान पे करता है कि किसान कैसे बेचे, उसकी ज़्यादा कीमत जब मिलती है जब माल कम होता है। पर मोदी ने ये भी तो कहा था ना कि देखो किसानों को हम डबल आय कर देंगे। क्या क्या डबल किया बताइए, क्या डबल किया है हमारे लिए, क्या किया है? हम किसान के बेटे हैं। आई डबल हुई, आई डबल हुई, वो तो झूठे आदमी है। सबरे जितने भी राजनीति है, कांग्रेस हो या भाजपा हो, सब बेईमान आदमी है, सब बेईमान है। हाँ बिल्कुल बेईमान। एक्चुअली क्या है सर, जो बारिश पिछले महीने में हुई उसके वजह से टमाटर का जो फसल खत्म हो गया था, अब जो नए फसल चालू हुए हैं उनमें अधिक टमाटर लगाया गया है तो अधिक हो रहा है, तो इसके वजह से जो है मंदा हो गया सर। काम फाम करना चल रहा हूँ भैया, काम फाम करना चल रहा हूँ, टाम काट रहा हूँ जा रही है गरीबों को। अरे बीजेपी ने तो कर दे, बीजेपी ने कर तो दो। सरकार सिलेंडर मिल गए, राशन मिला, कहाँ मिला? मिला नहीं है, लेडीजों को मिला नहीं है। भाई साहब महंगाई सही है, मंदा तो बेकार ही है जिंदगी में, मंदी जी तो महंगाई होनी चाहिए, महंगाई रहती है बस 12 महीने महंगाई रहे। बढ़िया जी बढ़िया, सरकार मोदी की आनी चाहिए। 5 किलो है, 100 रुपये किलो नहीं है, ये 100 रुपये किलो ले भैया। क्या महंगाई है? महंगाई क्या है? नहीं महंगा है, नहीं है। नींबू का भी सीजन चल रहा है तो महंगा चलेगा, टाइम टाइम का बात नहीं होता है, जब टाइम टाइम का बात होता है तो महंगा चलेगा ही। घर भी जाता है। आप ये मुझे बताइए किसानों को फायदा हुआ इस सरकार में कि नहीं, सीधा सवाल है ये बताइए आप। अरे ये सरकार बहुत बढ़िया सरकार है, इसे कोई हटाना चाह रहा ना तो हमारा देश को बर्बाद कर देगा। अच्छा हाँ, ये अच्छा चेक कर रहा है। अब लॉकडाउन जो लगा उसमें हम लोग लॉस सबको परेशानी हुआ है, उसमें कौन कब लगा? 8,000 की नौकरी कर रहा है ना, उनसे पूछो अपने बच्चे कैसे पाल रहे हैं। जो 8,000 की जो नौकरी कर रहा है ना, इसमें उनसे पूछो अपने बच्चे कैसे पाले, कैसे पढ़ा लिखा रहे। जो अपना बिजनेस जो छोटा कर रहा है चाहे बड़ा कर, उन्हें तो कोई पता नहीं है कि उन्हें चीज नहीं पता। अगर अभी अगर हम 10,000 की नौकरी कर रहे हैं और रेंट पे रह रहे हैं और अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो उनसे पूछो हम पे क्या बच रहा है? जीरो भाई जी, उसमें कुछ कुछ नहीं बच रहा है उसमें। तो महंगाई तो देखा जाए तो 9 सालों में महंगाई बहुत हो गई जाके, क्योंकि 2014 पहले देखा जाए डीजल पेट्रोल क्या रेट था और इन्होंने क्या बातें करते इन्होंने।
आज जो अमेठी की स्मृति ईरानी है तो इन्होंने कहा था अमेठी में आप 26 तारीख को बटन दबाइए और 13 रुपये शक्कर घर को लेके जाओ। और अगर मैं गलत कहता तो मैं गलत कहता तो जो वीडियो वो उनका वीडियो है, ये बात सही है। अगर इसमें गलत कहा तो इन्होंने जनता को जितने भी इन्होंने दिए सब झूठे वादे लुभाए इन्होंने। अगर इन्होंने जितने वादे करते किसी वादे पर अगर खड़े उतने तो बताओ। अभी इन्होंने जो G20 सम्मेलन हुआ है वो विदेश में एक जगह होता है, उस जगह तो मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ 600 करोड़ रुपये कुल खर्चा आया था, 600 करोड़ का खर्चा आया था कुल। और वही G20 जो सम्मेलन हुआ है वहाँ 4,000 या 4,100 का खर्चा आया है, 4,000 या 4,100 का खर्चा। और जनता हमारी 130 कितनी करोड़ जनता है, अगर वो अगर जनता के बारे में सोचते तो अगर हर बंदे को अगर 1-1 करोड़ या 50-50 लाख रुपये देते तो सबकी गरीबी दूर हो जाती है। सिर्फ हमारे देश में महंगाई पे कोई नहीं बोलता है, सिर्फ इन्होंने आपस में हम लोगों को भाईचारा इन्होंने जो भाईचारे को लड़ाने की कोशिश करी इन्होंने। ये हमारा हिंदुस्तान धर्म जो हिंदुस्तान हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है ये, ठीक है, इसमें हर जाति हर धर्म का व्यक्ति रहता है ये। तो क्या 70 साल में क्या हमारा हिंदू भाई या हम लोग खतरे में आ गए? क्या 70 साल में आ गए? अब एक बताओ, अगर कोई व्यक्ति गाँव से आता है तो क्या कुछ लेकर आता है? कुछ लेकर नहीं आता ना। तो अब उन्होंने इस हिसाब से देखे जितना कांग्रेस ने लूटा उससे ज़्यादा इन्होंने 9 साल में लूट लिया। और सिर्फ ये वही व्यक्ति कह रहा है कि मोदी बढ़िया कर रहा है जिसके चूतड़ पे कच्चा नहीं है। क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, ये बात हकीकत है। नहीं तो तुम किसी पढ़े लिखे किसी युवा से पूछा कह रहे हैं महंगाई नहीं। भाई साहब मैंने क्या कहा? मैंने किसी पढ़े लिखे युवाओं से तुम पूछो, जो ग्रेजुएट लड़के उनसे पूछो जाके। जो लड़के ग्रेजुएट हैं जो ठीक ठाक पढ़े लिखे, अभी आप हो या हम, अगर हमारे बाबा माँ बाप ने अगर हमें अच्छा पढ़ा लिखा दिया, बीटेक या कोई 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 बढ़िया कर दिया और हम दर दर ठोकरे खा रहे हैं और पढ़ाई में लाखों रुपए खत्म होता जाके, तो अच्छा जो जिसका बच्चा अच्छा पढ़े लिखेगा तो उसका माँ बाप चाहेगा कि रोड पे सब्जी बेचेगा वो? क्यों महंगाई की बात ये कर रहे हैं? महंगाई आपको नहीं लग रही? महंगाई नहीं लग रहा है क्या? महंगाई धीरे धीरे हर चीज का बढ़ेगा ही, पैसा तनख्वाह सबका बढ़ रहा है तो पैसा नहीं बढ़ेगा सामान पर? तनख्वाह भी तो बढ़ रहा है। हाँ बढ़ रहा, तनख्वाह की तो बात करें, 10,000 में कैसे 10,000 में कैसे गुजारा हो यही तो बात। प्राइवेट में तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है, सरकारी में तो बढ़ रहा है। सरकारी कितनों की लग रही है? सरकारी डिपार्टमेंट तो सारे खत्म हो गए जाके, सारी डिपार्टमेंट चल रहा है, रेलवे स्टेशन प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं, एयरपोर्ट प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं, बताइए प्राइवेट सब अच्छा लग रहा है? वो तो अच्छा लग रहा है भाई, क्या कहते हो? तो कहना देखो यही जितना, अगर जिस हिसाब से ये कह रहे अब ये इन्होंने कहा नहीं, जो प्राइवेट आदमी है जो आज की डेट 10,000 की मजदूरी कर रहा है वो अगर 9 साल में अगर पर एक लेवल की अगर इन्होंने 1,000 रुपये साल भी बढ़ाए होते तो 9 साल में 9,000 उसके हो जाते। एक जो मजदूर हेल्परी करता है अगर उसकी तनख्वाह 10,000 थी तो आज 17,000 आज 19,000 हो जाती उसकी। पर एक बात ये भी तो है, जो गरीब लोग हैं वो 80 करोड़ लोगों को सरकार फ्री का खाना मतलब राशन दे रही है तो उस पर आप खुश नहीं? वो भी तो गरीबों के लिए 80,000 जिसे दे रही हो अपने उनके कागजों में 80 करोड़ होंगे वो जाके। और आप एक बताओ यहाँ किसी को दे रही हो तो बताओ राशन मिल तो रहा है सबको? किसको नहीं मिल रहा है? मिल रहा है राशन? हो सकता है राशन ही नहीं मिल रहा होगा भाई, हमें तो राशन नहीं मिलता। हम तो राशन नहीं बनवाओगे तो राशन कहाँ से मिलेगा तुझे बता? जब राशन नहीं बनवाओगे चप्पल खींचनी पड़ती है, राशन बनवाओ और राशन न मिलेगा तो बता? इन्होंने कहा राशन की चप्पल खींचनी पड़ती है, इन्होंने कहा राशन अगर मैं अगर मैं किसी राशन मिल जाएगा गाँव कहाँ नहीं मिलता है? गांव में हर आदमी को मिलता है राशन। बोल राशन नहीं मिल रहा, कौन गांव में नहीं मिल रहा है? मोदी ने सैन्य डबल करके दिया राशन, डबल करके। अच्छा अभी 200 रुपए भी घटाए हैं सिलेंडर, तो 200 रुपए इसलिए इन्होंने सिलेंडर घटाया ना क्योंकि 2024 का 5-6 महीने चुनाव आ गए ना, इससे पहले इन्होंने क्यों नहीं घटाया? इन्होंने क्यों नहीं घटाए? इन्होंने जब 200 रुपए ने स्कूल के बच्चों को बहन जो घी बाटा रिफाइंड वाली सब बाटा, बता बच्चों को कहा ना दिया बता राशन? 5-5 किलो चने, 10-10 किलो गेहूं चावल, बता कहा ना दिया बता मोदी ने? बता दे अब भाई, हो सकता है इनके बच्चों को घी और राशन दिया होगा, हमें तो भाई सरकारी स्कूल में सबसे पूछो सब बच्चों को मिला है सब बच्चों सरकारी भाई, हमें तो ना राशन चाहिए ना कुछ नहीं है। ये है कि हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये जित ये बेटा आएगा लिखने के लिए है? ये जितना ये करते हैं ना, ये मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा व्यवस्था इतनी ध्वज जिसका कोई जवाब नहीं, अगर 10% भी शिक्षा व्यवस्था की तरफ ध्यान देते ना, मैं कहता हूँ राशन ना देके शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान देते तो हमारे उत्तर प्रदेश सुधर जाएगा। हमारा शिक्षा पर बात कर रही है, शिक्षा पर काम हुआ है? ये बिजली की बार बार मतलब ये किराएदार के लिए बिजली को ये फ्री है 2 साल बहन, जब किराया हम 10-12 यूनिट ले रहे हैं, किराया कौन सी बिजली भी कौन सी फ्री हो रही है हम पे? किराएदार कौन सी बिजली फ्री है? कोई केजरीवाल ने की है फ्री है किराएदार कौन सी फ्री है बिजली बताओ? अरे तो आप अगर अपना मीटर लगवाएंगे तो सबके लिए। वहाँ पे भावपुर में मैं बारात घर में जा रहा था तो वहाँ प्रचार हो रहा मोदी, वो
केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दी वो कर दी। मैं बोला खड़ो के माँ, ओ भाई बिजली कौन सी किराएदार के लिए फ्री है? बोला ओ कि मकान वाली तू चुप रहे, तू खड़ा हो जाए साइड में। छोड़िए आप ये बताइए रोजगार की, इन्होंने भाई ने रोजगार की बात उठाई, रोजगार पर बात कर रही थी मोदी सरकार। कितने बता कितना राशन ने दिया बता लॉकडाउन में? भाई इन्हें मिला होगा, हमें तो राशन मिला नहीं है। और मोहल्ला क्लिनिक आपके सामने है, अच्छा किया कि गलत किया ये बताइए। बहुत देशद्रोही है कौन? केजरीवाल। मैं भी इनकम टैक्स, मैं 35 ईयर से चेयरमैन सीबीडीटी के साथ हूँ, इनकम टैक्स चेयरमैन के साथ हूँ 35 साल से। केजरीवाल देखो मोहल्ला कह देंगे आप क्या बात? मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए आप आपके सामने मोहल्ला क्लिनिक देखिए, बताओ मेरे को मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है? देखो ना आप बताओ, इस वीडियो को दिखाओ, दिखाओ आप सामने दिखाओ, बताइए तो आप। मैं 35 साल से चेयरमैन सीबीडीटी के साथ हूँ, वो हमारा एक छोटा सा अधिकारी था, हमारे से सिफारिश करता था, मिला दो चेयरमैन से। आज साल क्या हाल है, देश का क्या हाल कर दिया, दिल्ली का क्या हाल कर दिया? और हमारे को देश चाहिए, हमारे परिवार नहीं चाहिए। परिवार देश होगा तो परिवार होगा, परिवार नहीं देख परिवार वाले हैं। परिवार जनों से देश जो है नागरिकों से बनता है ना सर। सर मैं फौजी, नागरिक थोड़ी बनते, हम फौजी आदमी हैं, फौजी है ना, वही मैं कह रहा हूँ। जब तक देश के लोग सुरक्षित नहीं होंगे तो देश कैसे कहलाएंगे? देश सुरक्षित है सर, कितना अच्छा का वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा भारत का, आज तक हुआ है? अब पहले कहाँ हुआ, कौन जानता था? अब हमारा पासपोर्ट का वैल्यू देखिए ना, मुंह पे बोल रहा हूँ। आप केजरीवाल के सब आदमी है, बिल्कुल बताइए, अच्छा ही बताइए, इन्होंने तो गलती बता दी। बिजली फ्री है, बिजली कोई फ्री नहीं है, किराएदार के लिए कोई फ्री है ना? फ्री ना, ना सही है, फ्री है। अच्छे काम बताइए, जीरो आ रहा, मेरे बच्चे सही पढ़ रहे हैं, लेडीज जा रही है फ्री में जा रही है, सारे काम बड़े हो रहे हैं, पानी बड़े आ रहा, सब कुछ आ रहा, क्या चाहिए? पानी आ रहा, जाओ गाजीपुरी में देखो, नहीं टैंक भर रहा, जब नाले में खींच कर मतलब भरोगे तो क्या होगा? पानी नीचे जमीन बिगड़ रहा वहाँ पानी, ना ना बढ़िया हो रहा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम तो केजरीवाल को दे रहे हैं, केजरीवाल को जिताएंगे, केजरीवाल को इसमें देंगे। किराएदार को कोई फायदा ना, मकान वाले को फायदा है हमारे, कोई भी। अब लोग कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं तो किराए पे क्यों रह रहे हो तुम? अब 9 साल में मकान मांग लो ना, तुमसे 9 साल में मकान मांग लो। अब उसने केजरीवाल ने चलो कैसे भी करा, उन्होंने उन्हें कहा 200 यूनिट उनका बिजली। अब इससे पहले और भी सरकार उनने 100 यूनिट क्यों नहीं दी? अभी लोग कहते हैं जब कोरोना स्टार्ट हुआ था जब हम उतर, तो योगी ने कहा था कि जो चीज़ सब पे बिजली फ्री मिलेगी, बिजली फ्री मिले। हम कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में 6 रुपये 80 पैसे यूनिट चल रही है, तुम अगर आधे आधे बिल माफ़ कर देते हो, तुम केंद्र में तुम बैठे हो, सेंटर में तुम बैठे हुए हो, कौन सी गवर्नमेंट है जिसने कोरोना में इतनी महामारी में किसकी मदद करी हो? और अभी जब चुनाव आ जाते हैं तो अरबों खरबों करोड़ रुपए रोड पे फैला देते हैं, तो ये पैसा किसका? ये पैसा हमारा ही तो है। आज जो 41,000-4,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा है तो वो जनता पे तो मार पड़ेगी जाके, वो मार जनता पे तो पड़ेगी। जो सिलेंडर महंगाई क्या है, महंगाई करा रखी है, समय समय धीरे धीरे बढ़ेगा ही, पैसा का वैल्यूएशन घटेगा ही, इसको नीचे कर सकता है पैसे। पहले आपको महंगाई लगती थी, कांग्रेस सरकार में महंगाई, पहले बढ़िया सा सब पेट नहीं पहन पा रहे थे, बढ़िया मोबाइल चला रहे थे, सब भैया देख रहे हैं। नोटबंदी से नींबू मिला, 100 रुपये नींबू लेकर आया हूँ, देखो ये रहा 50 रुपये नींबू ले रहा है, खराब कर दिया, महंगाई ने महंगाई महंगाई महंगाई, गरीब आदमी क्या करेगा महंगाई में, क्या कह रहे हैं? ना ये 1200 का सिलेंडर भराते हैं आपके चीज, आप कहाँ भराते हैं कम में? हम लोग इतना मजबूरी का करते करते खाते, बीन चुन के खाते हैं हम लोग, कहाँ कुछ सरकार दे देते है। मोदी जी ने तो 200 रुपए का बच्चा है, लड़की 3 गो है, 1 गो लड़का है, सबके बीमारी से तंग रहते हम सब, नहीं कुछ करके क्या हम करके खाऊ? मोदी सरकार नाम ला है भाई, काम ला कुछ भी नहीं है, नहीं देते है नहीं कुछ नहीं देते राशन जो मिल रहा है उसमें नहीं देता है, नहीं राशन कुछ नहीं देता है, राशन नहीं देता है, नहीं मिलता है राशन, अरे नहीं मिलता है राशन। आप देखे आए हमारा घर में, अब अपना घर में देखे आए हैं, आपको कैसे पता होगा? हम हमारे हम का ठेका लिए, हम 1 महीने में जाते हैं, रोज जाते हैं राशन लेने, ये झूठ बोल रही है, पूरा गाँव को ठेका ले लिया है पूरा, किसको जो राशन लेने नहीं जा रहा है, पैसा कमाने तो क्या पैसा कमाना ही आया, पैसा कमाया ही है, मैं बहुत पैसा हम सब लोग कमाया है। आपका राशन कार्ड वगैरह हाँ, बाकी नहीं देता है।